चौथे योग की चर्चा प्रारंभ की है, जिसमें श्री भगवान ने कहा था, इमं विवस्वते योगं प्रोक्त वाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत सेवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सका चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। और फिर अर्जुन ने तब पूछा था, अवरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम ये द्विजानियाम तमादो प्रोक्तवानिति, कि मैं कैसे जानूं कि आपने ये सब कहा था। आपका जन्म तो अभी हुआ, सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इस योग का आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं। और तब श्री भगवान अपने स्वरूप का उद्घाटन करते हुए कहते, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन त्यान्यहम वेद सर्वाणि नत्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, हे परंतप उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अजोपि सन् व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को आधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की कि श्री भगवान किस प्रकार से प्रकट होते हैं। वे अजन्म होने पर भी, और जिसने कानून बनाया है वो तोड़ भी सकता है, इसकी हमने बात की थी। और ये माया को आश्रय करके भगवान प्रकट होते हैं, पर माया का प्रभाव इन पर वैसे ही नहीं होता। जैसे सांप के मुंह में जहर रहता है, उस जहर के द्वारा बाकी लोग तो मर जाते हैं जब सांप डसता है, पर वह जहर जिस सांप के मुख के भीतर में है उसको वो जहर व्याप्त नहीं होता, उससे उस पर कोई असर नहीं होती। उसी प्रकार से ये भगवान माया का आश्रय करके प्रकट होते हैं, पर इस माया का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, क्यों पड़ता, क्योंकि वे मायाधीश हैं, मायाधिपति हैं। और फिर श्री भगवान अपने उस आविर्भाव का प्रयोजन यह प्रयोजन बताते हुए कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्कृताम दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म संस्थापनार्थ धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पर मानो पांच प्रयोजन बताए, पांच कारणों से श्री भगवान का आविर्भाव होता है। नंबर एक, जब जब धर्म की हानि होती है। दूसरा, जब जब अधर्म बढ़ जाता है। तो ये दोनों मानो एक ही बात लगती है, पर पहले तो लगता है कि ये दोनों बातें तो समान ही है। धर्म की जब हानि होगी तब अधर्म वृद्धि होगा, तो इसके लिए दो अलग अलग क्यों कहा। कहने का मतलब, जब धर्म की हानि तो होती रहती है, धर्म पर अत्याचार तो होते रहते, पर वो इतनी अधिक अधर्म की प्रवृत्तियां इतनी अधिक बढ़ जाती है, मात्रा से अधिक, तब जाकर के ईश्वर को स्वयं को आना पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव जैसे उदाहरण देते हैं कि कहीं पर कोई दंगा हुआ, कि कोई मारपीट हुई, कि कोई गुंडागर्दी हुई, तो तुरंत वो पुलिस ऑफिसर को, पुलिस कमिश्नर क्या करते हैं, वहाँ के ओसी को, ऑफिसर इंचार्ज को, वहाँ का ऑफिसर इंचार्ज है उस इलाके के ऑफिसर इंचार्ज को खबर करते हैं कि तुम लोग PSI लेकर के जाओ, PSI को फोन करते, PSI OC ये पुलिस में जा करते हैं। पर बहुत बड़े पैमाने पर जब होता है, मानो टेररिस्ट का अटैक हो गया, तब पुलिस कमिश्नर खुद जाता है अपनी फौज के साथ, सब PSI को ले जाता है। उसी प्रकार से जब बहुत अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान स्वयं आ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए। पूरे विश्व में ये लॉ ऑर्डर बहुत खराब हो जाता है, एकदम रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे आ गए, अथवा कंस दंतवक्त्र और ये दुर्योधन ये सब आ गए एक साथ, बहुत सारे टेररिस्ट घुस गए, तब जो बहुत बड़ी सिचुएशन खराब हो गई। तो एक साथ फिर जब हो गया तो फिर भगवान स्वयं
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करने के लिए आ जाते हैं। ये है अवतार। तो ईश्वर कब आते हैं? नंबर एक, जब धर्म की हानि होती है। दूसरा, जब अधर्म बढ़ जाता है। तीसरा, साधु पुरुषों के उद्धार करने के लिए आते हैं। साधु पुरुषों पर ज्यादा अत्याचार होते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जो ईमानदार हैं, जो सत्यवादी हैं, जो सच्चे आचरण करने वाले होते हैं, उनको जब खराब आचरण वाले बहुत दबाने लगते हैं, बहुत अधिक उस पर अत्याचार करते हैं, तो उनके रक्षण के लिए ईश्वर स्वयं आविर्भूत होते हैं। मानो पांडव लोगों पर बहुत अत्याचार किया दुर्योधन वगैरह लोगों ने, उसी प्रकार से रावण और कुंभकर्ण बहुत अत्याचार कर रहे थे। यहां तक कि देवता लोगों को भी कैद करके रखा था। यज्ञ जो कर रहे थे मुनि लोग, उनके यज्ञ को नहीं करने देते थे, उनका सब कुछ लूट लेते थे। ये जिस प्रकार से आजकल टेररिस्ट लोग और ये करते हैं, नक्सलाइट वगैरह, उसी प्रकार से ये जो राक्षस लोग, ये राक्षस और कुछ नहीं, यही टेररिस्ट, यही नक्सलाइट, यही सब मॉडर्न राक्षस हैं, या उस समय के जो राक्षस, ये मानो उसी प्रकार से हैं जो दूसरों को हड़प लेना चाहते, दूसरों की संपत्ति को, और हिंसा का सहारा लेते हैं, यही तो राक्षस है। तो इन राक्षसों के वध के लिए दुष्ट, तो साधु पुरुषों का रक्षण करने के लिए, और चौथा है दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए। इन टेररिस्ट लोगों को, इन आतंकवादियों को, इन राक्षसों को, इन अत्याचार कर्म करने वालों को का नाश करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। और पांचवा है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। तो यह जो धर्म की स्थापना, यह क्या है? धर्म की स्थापना, धर्म का हम लोगों ने विस्तार से अर्थ लिया था उस समय कि धर्म माने रिलीजन नहीं। हम कहते हैं भाई धर्म, तो हमारा धर्म हिंदू धर्म, हमारा धर्म क्रिश्चियन धर्म, हमारा धर्म है मुसलमान धर्म, इस धर्म की बात नहीं है, उस धर्म की स्थापना के लिए नहीं। धर्म का महाभारत में हम लोगों ने पिछली चर्चा में विस्तार से इसका अर्थ समझा था। धर्म धारणेति इति धर्म, महाभारत में बहुत सुंदर से समझाया गया धर्म क्या है। धारयति इति धर्मः, जो समाज को धारण करता है, जो मूल्य समाज को धारण करते हैं। मूल्य जब गिर जाते हैं, मूल्यों का अवमूल्यन हो जाता है, मूल्यों का ह्रास हो जाता है, जैसे आजकल हुआ है, तब उस मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा के लिए धर्म माने मूल्य, अच्छे मूल्य। ये अच्छे मूल्य जो धर्म को, जो समाज को धारण करते हैं, जब उसका नाश हो जाता है, तब ईश्वर को स्वयं को आना पड़ता है। तो इसकी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी कि जो महाभारत के शांति पर्व में पितामह ने, भीष्म पितामह ने कहा था, प्रभवार्थाय भूतानां धर्म प्रवचनम कृतम, यह स्यात् प्रभव संयुक्त स धर्म इति निश्चय, धारणात् धर्मम इति आहु धर्मेण विद्यता प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्त स धर्म इति निश्चय, अहिंसार्थाय भूतानां धर्म प्रवचनम कृतम, यह स्यात् अहिंसा संपृक्त स धर्म इति निश्चय। धर्म क्या है? प्राणियों में, प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए धर्म का प्रवचन किया गया है। अतः जो इस उद्देश्य से युक्त हो, अर्थात जिससे अभ्युदय और निश्चय सिद्ध होते हो, वही धर्म है, ऐसा शास्त्रवेत्ताओं का निश्चय है। धर्म का नाम धर्म इसीलिए पड़ा है कि वह सबको धारण करता है, अधोगति में जाने से बचाता है और जीवन की रक्षा करता है। धर्म ने ही सारी प्रजा को धारण कर रखा है, अतः जिससे धारण और पोषण सिद्ध होता है वही धर्म है, ऐसा धर्मवेत्ताओं का निश्चय है। प्राणियों की हिंसा न हो, इसके लिए धर्म का उपदेश किया गया है। अतः जो अहिंसा से युक्त हो वही धर्म है, ऐसा धर्मात्माओं का निश्चय है। तो ये धर्म की बहुत अच्छी डेफिनेशन महाभारत में भीष्म पितामह के माध्यम से शांति पर्व में प्रकट की गई। तो यहां पर यह जो धर्म की रक्षण की बात है, वह वही धर्म जो समाज को धारण करता है, जो मूल्य समाज को धारण करते हैं, उन मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा, इसी का नाम है धर्म की पुनः प्रतिष्ठा। तो यह धर्म की पुनः प्रतिष्ठा यदि नहीं होगी तो मानव जात बचेगी नहीं। इसलिए बारंबार स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, इस सारे विश्व में एक बैलेंसिंग फैक्टर है। जब जब ये अधर्म बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, तब उसको बैलेंसिंग करने के लिए इस प्रकार से एक महाशक्ति का प्रादुर्भाव होता है।
श्री कृष्ण भगवान मानो इसको अपनी स्वयं की वाणी में कहते कि मैं स्वयं प्रकट होता हूं, मैं स्वयं अवतार ग्रहण करता हूं। इस प्रकार से यह ईश्वर स्वयं मानो आते हैं धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए, और यह जो आते हैं तो इसमें किस प्रकार से वे अवतार ग्रहण करते हैं, तो मानो अवतार तत्व यहां पर प्रकट हुआ। ये अवतार तत्व के बारे में हम जो कहते हैं उसका प्रमाण हमें यह मिलता है, श्रीमद् भगवद गीता में चार प्रकार के योग की बात सभी जगह हम पाते हैं, भगवद गीता में पाते हैं, सब जगह पाते हैं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। पर यहां एक विशेष योग दे दिया गया मानो अवतार योग, कि केवल अवतार को जानने से ही हमें उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, ये बात अभी कहेंगे। तो अभी वो जन्म हम लोग यदा यदा धर्मस्य की बात करते थे, पिछले वक्त हमने कहा था कि चार लक्षण हैं। हम कैसे समझेंगे एक साधारण महात्मा, ये बहुत ऊंचे हुए महात्मा, और अत्यंत उच्च कोटि के महात्मा, अत्यंत उच्च कोटि के संत और ईश्वर से हम अवतार लेते हैं, इन दोनों के बीच में हम अंतर कैसे करेंगे। तो हमने उसके चार लक्षण बताए थे, चार लक्षणों के द्वारा हम समझ सकते हैं कौन अवतार है। पहला तो अवतार का जन्म मैथुनी नहीं होता, जिस प्रकार से पुरुष और स्त्री के संयोग से बच्चा जन्म लेता है उसी प्रकार से सभी जितने महापुरुष संत ये सब उसी प्रकार से उनके सबके माता पिता थे, परंतु जो अवतार तत्व है उनका जन्म साधारण प्रकार से नहीं होता, दैवी जन्म होता है। जैसे हम पाते हैं रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो वह यज्ञ के कुंड में से हुआ, श्री कृष्ण का जन्म वह भी उस प्रकार से वे प्रकट हुए कंस के कारागार में, बुद्ध का भी जन्म उसी प्रकार से होता है, जितने जिनको हम अवतार मानते हैं, राम कृष्ण देव जो हमारे लेटेस्ट अवतार जो सबसे आधुनिक अवतार उनका भी उसी प्रकार से हुआ कांवर पुकुर में, माता चंद्रमणि देवी जाती है वहां पर योगियों के शिव जी के मंदिर में, बहुत ही पास योगियों के मंदिर, आप जाइए अभी कांवर पुकुर जहां रामकृष्ण देव रहते थे उस झोपड़ी के ठीक पीछे है वो छोटा सा शिव जी का मंदिर, योगियों का मंदिर कहा जाता था उसको। तो चंद्रमणि देवी दर्शन करने गई थी धनी कांवरिन के साथ, और अचानक देखा वह जो शिव जी का जो लिंग था शिवलिंग वो अचानक प्रकाशित हो गया और उसमें से ज्योत निकली, ज्योत प्रकट हुई और वो दिव्य प्रकाश वहां से सीधा चंद्रमणि देवी के पेट में आया और चंद्रमणि बेहोश होकर गिर गई। इधर पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय चंद्रमणि के पति देवता ये गए हुए थे, उस समय वे यहां नहीं थे, वे कांवर पुकुर में नहीं थे, वे गए थे गया धाम, गया धाम की यात्रा के लिए गए थे, कई महीनों से गया धाम यात्रा गए थे, वह तो उस समय चल के पैदल चल के जाना पड़ता था, ये नहीं कि तीन दिन में पहुंच गए, ट्रेन में दो दिन में एक दिन पहुंच गए या फ्लाइट में एक घंटे में पहुंच गए, वो तो चल पैदल चल के जाना पड़ता था, कितने महीने लगते। तो गया धाम में गए थे, गया धाम में विष्णु भगवान की पूजा वगैरह की और रात को सोए हुए थे तो उनके सपने में गदाधर विष्णु भगवान आए और उन्होंने कहा खुदीराम मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं और मैं तेरे घर में जन्म लूंगा, भगवान स्वयं कहते हैं। और साधारण दृष्टि से तो ऐसा होता है कि भगवान जब आते हैं तो भक्त लोग तो बहुत खुश होते हैं, यहां उल्टा हो गया, खुदीराम खुद हाथ जोड़ के बोलते प्रभु आप मेरे घर मत आइए, क्यों? अरे बोले मैं गरीब आदमी ठहरा और आपके लिए मक्खन मिश्री कहां से लाऊंगा रोज। तब भगवान ने हंस के कहा उसकी चिंता मत करो, तुम जो रूखा सूखा दोगे मैं खा लूंगा, पर मैं तुम्हारे ही घर आऊंगा क्योंकि मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। और फिर खुदीराम वापस आते हैं, कई महीनों बाद वापस लौट करके आते हैं कांवर पुकुर में। जब आते हैं तो चंद्रमणि देवी रो करके कहती है क्या हुआ,
बोले इस प्रकार से आप गए थे, उसके बाद में मैं एक बार गई थी चंद्र इस प्रकार से योगियों के मंदिर में, वहां से इस प्रकार से एक प्रकाश का गोला आया और मेरे पेट में समा गया और तब से लगता है मेरा पेट भारी है, मानो मुझे शिशु उत्पन्न होगा ऐसा लगता है। जब मैंने ये बात गांव वालों से कही तो बोले बुढ़ी सठिया गई है, और 60 साल के बाद ना आदमी सठिया जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती 60 साल होने के बाद, इसीलिए रिटायरमेंट दे देते भाई 60 साल के बाद रिटायरमेंट, अभी सठिया गया है बुद्धि, अभी काम नहीं करेगी। तो 63 साल की बुढ़िया बोलती है मुझे संतान होगा, तो कौन मानेगा? सब गांव वाले हंसने लगे, देख बुढ़िया सब तुझे पागल कह के पागल खाने में डालेंगे, और किसी को बताना मत, हमको बताया तो बताया, रोने लग गई। तब तो जाकर के खुदीराम को बताया कि इस प्रकार से, परंतु मुझे सचमुच में लगता है कि मेरा पेट भारी है तब से। तब खुदीराम ने कहा चिंता मत करो, सचमुच में ईश्वर हमारे घर पधारने वाले हैं, मुझे भी इस प्रकार का सपना आया। और रोज प्रतिदिन चंद्रामणि देव को कितने सारे देवी देवता के दर्शन होते हैं, तो अद्भुत वहां मिलन नहीं है, रामकृष्ण देव खुदीराम और चंद्रामणि का मिलन नहीं है, और फिर भी यह दैवी जन्म होता है। और इस प्रकार से गदाधर उस रामकृष्ण देव का जन्म होता है, उसका नाम रखा गया गदाधर क्योंकि गदाधर विष्णु भगवान ने कहा था मैं आऊंगा, और बचपन में उसको गदाई कह के पुकारते थे प्यार से गदाई, और गदाई की जो बाल लीला है मानो श्री कृष्ण की बाल लीला व्रज लीला और रामकृष्ण देव की गदाई की कामार कुकुर लीला एक ही, सभी एक ही प्रकार का। तो अद्भुत यहां भी वो दैवी जन्म है, सभी अवतार का दैवी जन्म। और दूसरा उसमें होता है अवतार में दैवी भाव बचपन से ही प्रकट होता है, बचपन से ही मानो दैवी भाव प्रकट होता है, बचपन से ही कृष्ण भगवान को गोपियां बाल सखा लोग बहुत मानते हैं और उनको उनसे प्यार करते हैं, बछड़े भी श्री कृष्ण भगवान को प्यार करते हैं, दैवी भाव। और बचपन से ही कितने राक्षसों का वध कर दिया, खेल खेल में पूतना को ही खत्म कर दिया, पूतना आई थी उनको खत्म करने, पूतना खत्म हो गए, पूरा का पूरा चूस लिया, कितने सारे खेल खेल में कितने राक्षसों का वध कर दिया, दैवी भाव प्रकट होता है। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे रामकृष्ण हो, रामकृष्ण देव की वहां पर कामार पुकुर में थे, सभी स्त्रियां बोलती गदाई तू हमारे यहाँ, गदाई तू तो हमारे यहाँ, इस प्रकार से दैवी भाव। 7 साल की उम्र में खेत की मेड़ पर से जा रहे हैं मुड़ा खाते खाते, और अचानक देखा आकाश में नील आकाश में सफेद पक्षी, बहुत अच्छे पक्षी वहां से जा रहे हैं, और वो शोभा देख करके प्रकृति का सौंदर्य देख करके गदाई को पहली बार भाव समाधि होती है, मेड़ से गिर जाता है। बचपन से ही मानो दिव्य भाव का आवेश होता है। और तीसरा उनका उपाय है, उनका यह है कि आध्यात्मिकता में बहुत बढ़े चढ़े रहते हैं, बढ़े चढ़े मतलब यह आध्यात्मिकता तो बहुत सब जगह दिख सकती है, बड़े संत में भी दिख सकती, पर यहां पर आध्यात्मिकता आध्यात्मिक शक्ति का जो प्रादुर्भाव होता है वह अनेक गुना अधिक होता है। जैसे श्री रामकृष्ण दास देते थे एक साधारण नाव, एक साधारण लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा, वो लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है, खुद तैरता है, उसके ऊपर एक पक्षी बैठा तब तो ठीक है, और जहां 2-4 पक्षी बैठे तो वो डूब जाता है, छोटा सा टुकड़ा है, पर एक नाव है 10-12-15-20 लोगों को पार करा देती, पर उसमें भी ज्यादा बैठे तो डूब जाते, पर एक बहुत बड़ा जहाज है उसमें हजारों लोग यात्रा कर सकते हैं। तो अवतार है वो जहाज जिसमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति रहती है कि कई हजारों आदमियों को मनुष्यों को वह मार्गदर्शन प्रदान करके उनका उद्धार कर सकता है। तो यह अवतार में आध्यात्मिक शक्ति अधिक होती है। और चौथा सभी अवतारों में एक सामान्य लक्षण होता है, अद्भुत आकर्षणीय शक्ति उसमें होती है, मैग्नेटिक पावर, अट्रैक्शन होता है, पता नहीं क्या अट्रैक्शन, अपने आप खींच के चले आते हैं। कृष्ण भगवान ने जहां बंसी बजाई और गोपिकाएं सब काम का छोड़ के पति देवता बच्चों को छोड़ के चली एकदम पीछे दौड़ के पागल के समान, ऐसा अद्भुत आकर्षण था कृष्ण भगवान का, ऐसा अद्भुत था राम का। जाते हैं तो लोग देखते रह जाते हैं, जहां जहां से राम निकलते हैं वहां से सब सियां देखती रह जाती, लोग देखते रहते थे। उसी प्रकार से रामकृष्ण देव का इतना आकर्षण था,
कि लोग खड़े खड़े रहते, देखो 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 ये छोटे पुजारी आ रहे हैं, उनका नाम छोटा पुजारी था क्योंकि बड़े पुजारी उनके बड़े भाई, ये बड़े पुजारी और बड़े बड़े भाई बड़े पुजारी रामकुमार, जब उनका निधन हो गया तो इनको पुजारी कहा गया, तो उनका नाम था छोटो भट्टाचार्य, छोटा पुजारी। तो ये छोटा पुजारी, ये देखो देखो छोटे पुजारी जा रहे हैं रामकृष्ण देव, लोग खड़े हो जाते थे लाइन से उनको देखने के लिए, जे को स्नान करने जा रहे हैं, इतनी अद्भुत आकर्षण शक्ति। रामकृष्ण देव बोलते, अरे अरे रिगु क्या है रे, इतने लोग कहां से आ गए? मामा आपको देखने के, पुत्र मेरे को देखने के लिए, इस शरीर को देखने के लिए, खेलने में क्या है? नहीं, पर वो ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा आकर्षण, लोग रह नहीं पाते हैं। राम ब्राह्म समाजी भक्त केशव चंद्रसेन इतने बड़े, जिनके लेक्चर सुनने के लिए रानी विक्टोरिया जाती थी, वही केशव चंद्रसेन उस समय के हीरो थे, सारे विश्व प्रसिद्ध, ऐसे बड़े वक्ता, ऐसे बड़े प्रवचन का, परंतु रामकृष्ण देव से इतना उनको अट्रैक्शन हुआ कि रामकृष्ण को मिलने के लिए अपने शिष्यों के साथ बारंबार दक्षिणेश्वर आते थे, ऐसा अट्रैक्शन। प्रताप चंद्र मजुमदार ब्राह्म समाज के नेता थे, वो खुद लिखते हैं क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं इतना बड़ा आदमी, एक ब्राह्म समाज का नेता जिसने कांट, हेगल, स्पेंसर, कितने कितने बड़े पाश्चात्य लोगों को सुना है, उनकी किताबें पढ़ी है, कितने लोगों को सुना है, कितने कितने बड़े विश्व के महान लोगों से मेरा यह है, मैं इतना बड़ा विद्वान और वो निरक्षर ब्राह्मण, हमारा दोनों में कोई मेल ही नहीं है, इतना छोटा सा ये पुजारी, पर क्या बात है कि मेरा मन खींचा रहता है, मेरे को वहां जाने के लिए विवश करता है, और उसकी सन्निधि में बैठ करके अद्भुत शांति मिलती है, अद्भुत आनंद मिलता है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं मुझे क्या हो गया, ये खुद लिखते हैं। तो इस प्रकार से अननोन मैग्नेटिक पावर, ये आकर्षणीय शक्ति, अट्रैक्टिंग पावर, ये अवतार कराता है जब भी आते हैं। तो इसलिए जी अवतार पुरुष के लक्षण हैं, तो यह अवतार तत्व, ये मानो अवतार तत्व यहां पर प्रकट करते हैं। तो ये अवतार तत्व क्या है? अवतार शब्द आया है अवतरणिका, अवतरणिका संस्कृत में बोलते हैं, अवतरणिका किसको बोलते हैं? सीढ़ी, सीढ़ी, ये जो सीढ़ी होती है उसको अवतरणिका बोलते हैं। तो एक आख्याय के द्वारा उसको समझाया जाता है कि अवतार क्या है। तो भक्त लोग पुकारते हैं भगवान को, भगवान को पुकारते हैं, भगवान को पुकारते पुकारते थक जाते हैं, पर भगवान कुछ उत्तर नहीं देते। तब बोलते हैं, ईश्वर हमने सुना था कि तुम इस भक्तों की पुकार सुनते हो, पर आज अब हम इस प्रकार का रिजोल्यूशन करते हैं कि ये गलत बात थी और भगवान प्रार्थना सुनते नहीं है भक्तों की, इस प्रकार का रिजोल्यूशन हम पास करके सारे विश्व में हम लोग फैलाएंगे यदि अभी जवाब नहीं दोगे तो। तब ईश्वर जवाब दे, बोलो। बोले भगवान, फिर भक्त बोलते हैं कि क्या बोलना, बोलना क्या है, हम आपको दर्शन करना चाहते, और क्या दर्शन करना चाहते हो, तो ठीक है, दर्शन करने के लिए ये सीढ़ी रखी हुई, साधना रूपी सीढ़ी, तुम साधना करो, राजयोग, भक्तियोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, तुमको जो साधना अच्छी लगे उस प्रकार से साधना करके सीढ़ी में चढ़ करके तुम मेरे पास आओ, ये तो मैंने पैसे बता दिया है, तुमको दर्शन करना हो तो इसकी साधना की मैंने सीढ़ी रख दी। भक्तों ने कहा, ये तो हम भी जानते हैं, इसमें आपने नया क्या कहा, ये चार प्रकार के योग हैं, साधना करनी पड़ेगी, और हम तो बिना साधना किए। अच्छा आप एक बताइए कि आपने तो कहा साधना करके आप ये सीढ़ी से एक के बाद आएंगे, और हम लोग तो इतने सारे यहाँ नीचे, बहुत सारे लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं, आप अकेले उधर हैं। अच्छा हम लोग सीढ़ी है, सीढ़ी में चढ़ 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 करके ऊपर आएंगे, तो आप हम बता दीजिए कि हम सबको कब आपका दर्शन मिल जाएगा, आप हमें बता दीजिए। अब ये ईश्वर थोड़ा सोच में पड़े, अभी सीढ़ी इतनी पतली है, एक 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 करके ऊपर चढ़ेंगे, और इतने सारे लोग हैं, क्या कैलकुलेशन, कंप्यूटर सब फेल हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर भी, क्या करेंगे? अच्छा मान लो बोल भी देता हूं कि भाई 3 करोड़ साल के बाद सबको दर्शन हो जाएगा, तो भी कमिटमेंट हो जाएगा, तब तो सबको दर्शन देना ही पड़ेगा, ये कमिटमेंट हो जाएगा, कमिटमेंट भगवान कभी करना नहीं चाहते, अब क्या हो? तो चुपचाप रहे। बोले भगवान कैसे चुप हो गए, उत्तर क्यों नहीं देते? बेचारे क्या उत्तर दें? बोले तो बोलो कि हम हार गए, उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो बोले मैं हार गया। बोले अब ठीक है, अब हम उत्तर देते हैं।
और ये उत्तर सही हो तो हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। बोले ठीक है, यदि मैं हार गया तो जैसा तुम बोलोगे मैं करूंगा। तब भक्तों ने कहा देखो भगवान ये सीढ़ी काहे के लिए है। बोले चढ़ने के लिए। अच्छा सीढ़ी से कोई उतर सकता है कि नहीं? बोले हाँ उतर भी सकता है। तो बस हमारा यही कहना है कि जब इतने सारे हम लोग हैं एक एक करके ऊपर सीढ़ी चलेंगे, कब बोलेंगे तुम खुद ही सीढ़ी से नीचे आ जाओ तो हमको एक साथ दर्शन हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी के अभी दर्शन हो जाएगा, तुम नीचे आ जाओ। ये है अवतार तत्व। ये जब अवतरणिका के माध्यम से साधना रूपी सीढ़ी से जो मनुष्य इतने प्रकार साधना करके ऊपर चढ़ के कष्ट करके देते हैं, उसके बदले ईश्वर भी उनको भी साधना करनी पड़ती। क्यों? वो इतनी उच्च अवस्था में है, वहां से उनको साधना करके अपने मन को निम्न कोटे में लाना पड़ता है, पर वो भी साधना है। वो साधना करके उस अवतरणिका के माध्यम से नीचे आते हैं। ये ऊपर से नीचे आना माने सातवें आसमान से नीचे आना नहीं है, प्रकट करना। वे अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो यह मानो ईश्वर अनुकंपा से भक्तों की कृपा, भक्तों पर कृपा करने के लिए जब जब धर्म में धर्म की हानि होती है विश्व में, उस फोर्सेस जो बैड फोर्सेस इविल फोर्सेस हैं, जो खराब तत्व हैं, वो हावी हो जाते हैं अच्छे तत्वों पर, तो वो बैलेंसिंग करने के लिए, उन दुष्टों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए, धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए ईश्वर स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं स्वयं। ये है अवतार तत्व, ये अद्भुत अवतार तत्व, नया प्रकार का अवतार तत्व यहां पर प्रकट किया गया। और इसीलिए ये अवतार लीला, ये मानो एक चौथा प्रकार का एक तत्व, एक पांचवें प्रकार का योग। अवतार के जानने से ही हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, हमको परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान? नौवें श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, मेरा यह जन्म च और कर्म दिव्यम, दिव्य अर्थात अलौकिक है, एवं इस प्रकार यह जो पुरुष तत्वतः तत्व से वेत्ति जानता है, सह वह देहम त्यक्त्वा शरीर को त्याग कर पुनः फिर जन्म को न एति नहीं प्राप्त होता है, किंतु माम एति मुझे ही प्राप्त होता है। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुर्जुन। हे अर्जुन, मेरा यह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। तत्व से माने सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा, अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय है। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है, ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। ये तत्व से जानना ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी इस प्रकार से ईश्वर को तत्व से जानता है, उनके जन्म को और कर्म को दिव्य है ऐसा मान करके तत्व से जानता है, फिर उसका जन्म नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है, वह ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। एक बहुत बड़ा मानो अवतार तत्व। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, चौथा है पांचवा अवतार तत्व। क्या? अवतार तत्व को तत्व से जानना, इस प्रकार की दृढ़ श्रद्धा रखना कि श्री कृष्ण भगवान ये मनुष्य नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है। रामचंद्र जी ये मनुष्य नहीं है, दिखते हैं मनुष्य से, मनुष्य के समान दिखते हैं, पर की श्रद्धा नहीं आएगी तब तक हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। और जहां श्रद्धा आ गई तो फिर और कुछ नहीं, और कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए शंकराचार्य गीता पर अपनी भूमिका में लिखते हैं, सच भगवान ज्ञानेश्वर्य
शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्नः त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं ताम मायां मूल प्रकृतिं वशीकृत्य अजह अव्ययः भूतानां ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः अपि सन् स्वमायया देहवान इव जात इव च लोकानुग्रहं कुर्वन् इव लक्षते। ये श्री आदि शंकराचार्य गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में लिखते हैं। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज आदि से सदा संपन्न वे भगवान यद्यपि अज माने अजन्मा अविनाशी संपूर्ण भूतों के ईश्वर और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति वैष्णवी माया को वश में करके अपनी लीला से शरीरधारी की तरह उत्पन्न हुए से और लोगों पर अनुग्रह करते हुए से दिखते हैं। ये आदि शंकराचार्य अद्वैतवादी है, इसलिए इव जात इव जन्म नहीं लेते हैं, वो कहते हैं मानो जन्म लेते हुए से दिखते हैं जात इव, तो मानो ये थोड़ा सा इतना उन्होंने कहा, पर वहां पर गीता में तो यही कहा मैं स्वयं जन्म लेता हूं, पर इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया जात इव जन्म लिए हुए से दिखाई पड़ते प्रतीत होते हैं। तो जात इव ऐसा आदि शंकराचार्य करते हैं, तो वे क्यों ऐसा दिखते हैं, क्या इसमें उनका कोई प्रयोजन है। आचार्य शंकर आगे लिखते हैं, स्व प्रयोजनाभावे अपि भूतानुजिग्रक्षया, भले ही उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है फिर भी भूतों पर दया करने की इच्छा से वे ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं, यही उनके दिव्य जन्म और दिव्य कर्म की व्याख्या है। तो दिव्य जन्म और दिव्य कर्म ये ईश्वर के मानो दो लक्षण, और इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं जात इव जन्म हुए से दिखाई देते, जो अजन्मा है वो कैसे जन्म लेगा, जिसका कभी जन्म नहीं हो सकता, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका कभी विनाश अविनाशी है, अजन्मा और अविनाशी अज अविनाशी ये तो ईश्वर की व्याख्या है, परंतु जात इव मानो जन्म हुए से प्रतीत होते हैं, तो ये मानो मनुष्य रूप धारण करते हैं, मनुष्य के समान लीला करते हैं, मनुष्य के समान ही मानो जन्म लिया ऐसा प्रतीत होता है, मनुष्य के समान लीला करते हैं, ये मानो लीला कर रहे हैं जाते हुए, परंतु सचमुच में वे अजन्मा ईश्वर हैं। इनकी इस प्रकार की जो दिव्य लीला है, कभी कभी पाठ भूल जाते हैं तब प्रॉम्प्टिंग करना पड़ता है, रामचंद्र ने जन्म लिया, जन्म लेकर के कौशल्या की गोद में है, हंस रहे हैं, तो कौशल्या ने कहा प्रभु ये आपका पाठ तो ठीक नहीं हुआ, क्यों, अरे बोले आप अभी तो बच्चे हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहला काम करता है रोना, और आप हैं हंस रहे हैं तो आप पाठ भूल गए, अभी आप शिशु हैं, आप मनुष्य जन्म ग्रहण किए, अभी ईश्वर नहीं है। तो प्रभु ने कहा ठीक है भाई, अच्छा प्रॉम्प्टिंग कर दिया, और तब रोदन ठाना, ठान करके रोना, जोर से रोए और ठान करके रोना किसको बोलते हैं, ऐसे ही रोना, ये तो रोना अपने आप कोई भी रोता है, पर जब हमको दिखाना होता है कि नहीं नहीं आपके ये समाचार जानकर के हमको बहुत दुख हुआ, तो कहीं कहीं पर ऐसी परिपाटी है, परंपरा भी है कि जब कोई मर जाता है तो एक ग्रुप रहता है, उसका काम ही है ठान करके रोना, वो उसको बुलाते हैं, वो औरतें आती है और गहने वहने निकाल देती ताकि वो गहने सब सुरक्षित रहें, गहनों को पहले निकाल करके और इस प्रकार के जोर जोर से धर्म सिर पछाड़ पछाड़ के जोर जोर से रोती, ठान करके रोती, तो एक्टिंग करके रोना, तो ईश्वर ने भी फिर एक्टिंग करके रोया, ठान करके रोए जोर से, तब प्रभु ने बोला चलो अब बड़ी लीला ठीक हो गई, मनुष्य लीला हो गई, हाँ तो अब मनुष्य छोटे बच्चे जैसे होते हैं ऐसे आपने भी रोए। तब तुलसीदास जी को पूछा गया प्रभु रोए तब हम भी रोए क्या, अरे ऐसी गलती मत करना, अरे प्रभु तो रोए वो तो शिशु बने हैं, ये इसलिए रो रहे हैं कि ताकि हम हंसे, अब हमारा रोना बंद, इनको हम लोग ने इसलिए रुलाया, बच्चा उनका
जन्म ही ऐसे इसके लिए किया और उनको शिशु लीला करके उनको रुलाया ताकि अब हम हमारा रोना बंद हो जाए, हम आनंद में रहें, हमारी सब समस्या का समाधान हो गया, अब मजा करो, खूब मजा करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि आविर्भाव हो गया है ईश्वर का और मजा करो। जो हरिपद, जो प्रभु गुण गावही हरिपद पावही, अब हम लोग प्रभु का गुण गाएं, और प्रभु का गुण गाने से क्या फायदा होगा, बोले हरि पद पावही। अब जो प्राइम मिनिस्टर का जो सीट था खाली हो गया, प्राइम मिनिस्टर खुद यहां पर आ गए हैं, तो उनका जो सिंहासन खाली है, वो जो उन हरि पद, हरि का जो पद है, हरि की कुर्सी, भगवान तो स्वयं मनुष्य आ गए, अब हरि पद खाली है, तो हम लोग हरि गुण गा करके हरि पद को पालें। वो पद को पाने के लिए अब हरि गुण गाओ, क्यों, पद उनका खाली हो गया, वो खुद बेचारे नीचे आ गए हैं, तो वो हरि का आसन, सिंहासन खाली पड़ा हुआ है, वो सिंहासन तुमको मिल जाएगा हरि का गुण गाने से। तो हरि पद पावही हरि गुण गावही, ये तुलसीदास जी कहते हैं कि अब इन्होंने जब रोदन ठाना है तो हम लोग मजा करें, भगवान का गुण गाएं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और फिर रोदन ठाना, फिर ठान करके रोए। जब कौशल्या ने बताया भाई इसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है आपकी लीला में, आप ईश्वर है, ईश्वर थे अभी तक, अब मनुष्य लीला धारण की, बच्चा जन्म के बाद तुरंत रोता है, और तब रोदन ठाना। तो ये जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यतीत, जो इस प्रकार से ईश्वर की इस लीला को दिव्य प्रकार, दिव्य तत्वतः जानता है, तत्वतः ये जानना बहुत, तो उसका क्या होता है, फिर उसका जन्म नहीं होता, वो ईश्वर के साथ उसका मिलन हो जाता है, वो मुक्ति प्राप्त करता है। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे पूजनीय स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, श्री माँ शारदा देवी के साक्षात शिष्य थे, तो उनके पास से हम लोगों ने, हम लोग बैठे थे, हमारा रामकृष्ण मठ मिशन में हमारे जो जितने सन्यासी बनने आते हैं वो 25 साल से कम उम्र होनी चाहिए, और यदि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट रहे तो 30 साल तक मिनिमम क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी, तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने पर 30 साल तक चलता है, 30 साल के बाद नहीं लेते, और अविवाहित होने चाहिए, और आत्मनुमोक्षार्थम जगत हिताय चाहिए, उनके जीवन का आदर्श होना, आदर्श होना चाहिए, ऐसे जो युवक लोग हैं उनको हम लोग रखते हैं। तो पहला एक साल प्री प्रोबेशनर, फिर 4 साल का प्रोबेशन, और उस 4 साल के प्रोबेशन में कम से कम 2 वर्ष हमारा ट्रेनिंग सेंटर है बेलूर मठ में, सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर, वहां पर 2 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, और उसमें शास्त्र पढ़ाते हैं, सर्वधर्म, सभी धर्मों की बातें पढ़, सभी धर्मों के जो तत्व है उनको पढ़ाते हैं, फिलोसॉफी, रिलीजन, और रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य, उसके ऊपर क्लासेस होती है, उस पर एग्जाम होती है, साथ साथ में और भी किस प्रकार से पूजा करना, पाठ आरती करना, भजन गाना, सभी प्रकार के वैदिक चैंटिंग, वैदिक मंत्रोच्चार, बहुत प्रकार की ट्रेनिंग, वो इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है। और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद इस प्रकार से कुल 5 वर्षों के बाद ब्रह्मचर्य दीक्षा दी जाती है, और उसके बाद और 4 साल ट्रेनिंग के बाद कुल 9 वर्षों के बाद संन्यास दीक्षा दी जाती है, तब वीर्यहोम होता है, फिर संन्यास दीक्षा होती है, तो ये परंपरा है। तो जो 2 साल जो ट्रेनिंग सेंटर रहता था, उसमें हम लोग जब ट्रेनिंग सेंटर में थे वहाँ पर बेलूर मठ में, उस समय हमारे पास उस समय एक बहुत अच्छी एक परंपरा थी, जो प्रेसिडेंट महाराज हुआ, जो रामकृष्ण मठ मिशन प्रेसिडेंट थे वीरेश्वरानंद जी, उस समय उन्होंने कहा था साल में एक बार सभी ब्रह्मचारी आएंगे, उनके कमरे में बैठेंगे, 1 घंटा रहेंगे, जिसको जो प्रश्न है पूछना पूछ दे, वो उनकी स्वाधीनता रहती थी, वैसे तो प्रेसिडेंट महाराज बहुत बिजी रहते हैं, पर एक वर्ष साल में एक बार ऐसा अवसर रहता था जब सभी ब्रह्मचारी उनके कमरे में बैठते थे, जिसको जो प्रश्न पूछना है पूछे, और बहुत ही फ्रैंक इसमें वातावरण में, इनफॉर्मल डिस्कशन, कोई प्रवचन नहीं, बहुत अच्छी बातचीत होती थी, कभी मजाक होता था, कभी हंसी मजाक होती थी, उसी के बीच में बहुत सारी बातें थी। तो एक बार वही वीरेश्वर जी माने उसी समय हम लोग को सब बताया, एक बहुत अच्छी बात बताई, देखो सब लोग इस प्रकार से, जब प्रश्न पूछा गया कि कहते हैं रामकृष्ण, कई जगह कई सन्यासी से कहते हैं कि कहीं कहाँ भी गया लीला प्रसंग, जो रामकृष्ण देव के शरण में आते हैं, रामकृष्ण के पास आए, उनका यह अंतिम जन्म है, उनकी मुक्ति हो गई। तो उसका मतलब क्या होता है, रामकृष्ण के पास आए तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, उसका मतलब क्या है, ये पूछा गया था। अब उन्होंने बताया, देखो एक घटना सुनो, वो
एक दूसरे वरिष्ठ सन्यासी थे हमारे, बाद में रामकृष्ण मठ में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे, उपाध्यक्ष बने थे, ओंकारानंद जी, बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे। इनके शास्त्रों के बारे में इतना अधिक ज्ञान था और इतने अधिक वो विद्वान थे, और उनका काम, उनको तो यहाँ रामकृष्ण मठ में तो सभी प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, सभी प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, उसके लिए बाहर भी जाना पड़ता है। उस समय ट्राम में अधिकांश लोग जाते, ट्राम का सबसे कम खर्चा रहता था, बस से भी खर्चा कम टिकट रहती थी ट्राम की, तो अधिकांश स्वामी जी लोगों को या पैदल जाओ या ट्राम में, ये उसका नियम था, जो कम से कम सबसे सस्ता। तो ट्राम में जाते थे कभी कभी, फिर कभी वो रामकृष्ण मठ में बहुत सारे कार्यक्रम है तो उसमें कभी कभी सॉलिसिटर के पास भी जाना पड़ता है, और ये जो सॉलिसिटर लोग हैं ये तो अपने दिखाना चाहते कि हम बड़े वीआईपी, हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी फाइल है, इसलिए जानबूझकर दो तीन घंटा बाहर बैठाएंगे वेटिंग हॉल में, ताकि सब लोग, अरे भाई इनके पास तो इतनी फाइल, इनको मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे सॉलिसिटर उनको बैठाते थे 2-3 घंटा। वो क्या करते थे, अपने साथ ये किताबें, पुस्तकें, शास्त्र के पाठ, ये सब गीता उपनिषद सब पुस्तकें ले जाते थे, और जब बाहर वेटिंग हॉल में बैठे तो उस समय पाठ कर। इस प्रकार से उन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित किया था, ओंकारानंद जी। जो भी हो, ये ओंकारानंद जी और वीरेश्वरानंद जी, ये दोनों बस स्टैंड में खड़े थे और दक्षिणेश्वर जा रहे थे, तो बीच में कहीं एक जगह बस स्टैंड में खड़े थे, तो उसी समय उन्होंने देखा कि बेलू मठ की विजिट करके, बेलू मठ के दर्शन करके कुछ भक्त लोग वो भी बस स्टैंड में राह देख रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। क्या, अरे आज तो हम लोग बेलू मठ गए, बस वहां तो सुना है ना कि जो रामकृष्ण के पास आए उनका उद्धार हो गया, और उनका बस, उनको तो ये उनका, उनको मुक्ति हो गई और ईश्वर के साथ उनके एक हो गए, ये हमारा अंतिम जन्म है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तब ओंकारानंद जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, ये अंतिम जन्म, ये सबको सुनो, ये जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, ये अवतार तत्व को तत्व से जानना पड़ता है। ऐसी बड़ी विशद व्याख्या जो भगवद गीता में, कि सब वो तो शास्त्र के थे, पंडित थे, बहुत प्रकार से समझाने लगे। ये भक्तों लोग तो सब ऊपर तो भूसा ही रहता है, ज्यादातर भक्तों लोगों का वो इमोशन में, इतने सेंटिमेंट में रहते हैं, वो कुछ घुसता ही नहीं। तो वो तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो इतना ही सुने हैं, जो रामकृष्ण के पास आए उनका अंतिम जन्म होता है। तब वीरेश्वरानंद जी बोले ओंकारानंद जी को, देखो भाई इनको तुम कितना भी शास्त्र की बात समझोगे, समझेंगे नहीं, मेरे पर मैं उनको समझाता हूँ, उनकी भाषा में समझाता हूँ। और तब उन्होंने कहा, देखो ये जो कहा गया लीला प्रसंग में कि जो रामकृष्ण के पास आए तो उनका अंतिम जन्म होता है, उसका मतलब ये नहीं एक बार बेलू मठ आए और बढ़िया खिचड़ी का प्रसाद खा लिया और अंतिम जन्म। अरे वो रामकृष्ण के प्रति वो भक्ति होनी चाहिए, ये धारणा होनी चाहिए कि ये साक्षात ईश्वर के अवतार है। क्या है तुम्हारे में भक्ति है? ये भक्ति एक दिन में नहीं आती है, एक दिन खिचड़ी का प्रसाद खाने से नहीं आ जाती। खिचड़ी का प्रसाद खाओ, उसमें कोई हरकत नहीं है, परंतु केवल एक बार गए खिचड़ी का प्रसाद खा लिया इसलिए हो गया? कितने लोग कितने सालों से दर्शन करने आते हैं, धीरे 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 उनकी भक्ति बढ़ती, तब जाकर के रामकृष्ण देव साक्षात ईश्वर के अवतार थे, ऐसी श्रद्धा एक दिन में नहीं आती है, तुरंत लगता, अरे तुम मनुष्य थे, साधारण मनुष्य के समान अवतार किया, 5 रुपया उनका सैलरी था, वो तो छोटे पुजारी थे, अब इनको ईश्वर का अवतार बना दिया, काली के पुजारी इनको ईश्वर का अवतार बना दिया, ये सब अश्रद्धा आती है हमारे मन में। क्यों? उन्होंने मनुष्य लीला की। रामचंद्र जी को श्री रामकृष्ण खुद कहते हैं, रामचंद्र जी को केवल 12 ऋषि पहचान पाए थे कि साक्षात ईश्वर क्या होता है, बाकी सब यही समझते थे ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनका तत्व तो कोई जान नहीं पाता था। तो अवतार को समझना बड़ा मुश्किल है और उन पर श्रद्धा होना और भी मुश्किल, और उनको तत्वतः जानना कि वही अजर अजर अमर अविनाशी परमात्मा साक्षात ब्रह्म, वे ईश्वर का रूप धारण करके आए हैं ईश्वर के समस्त विश्व के कल्याण के लिए, जब मन में धारणा होगी और फिर उस प्रकार से जब जैसी धारणा होगी तो उसके बाद क्या होगा, उसका सारा जीवन बदल जाएगा। लक्षण क्या है, जिसको तत्व से उन्होंने जान लिया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुरजन, ये कैसे पता पड़ेगा? तो नेक्स्ट श्लोक में बताए
लक्षण बताए, जिन्होंने तत्व से जाना है उसके भीतर में क्या क्या उसके परिणाम आएंगे ये नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे भगवत गीता में। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को नहीं, इसके बाद वाले रविवार को करेंगे, आज यही समाप्त करें।